श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जिन साधकों में चित्त की या बुद्धि की मलिनता है, उनको पहले अपनी बुद्धि शुद्ध करना चाहिए या मन की मलिनता को कम करना चाहिए। जितने ही भोग लिप्सा ज्यादा होती है, उतना ही स्वरूप स्थिति कठिन होती है। उसी अनुपात में इसी तरह से जितना ही चित्त सांसारिक होता है, भौतिक होता है, महत्वाकांक्षी होता है, उतना ही उसके हृदय में अशांति रहती है। तो साधक को अपने अंतःकरण के दोषों को कम करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। जो ईर्ष्या द्वेष है वो ना करें। किसी में कोई कमी है, उसके कारण आपको दुख होता है, थोड़ी देर को मन में नफरत आ जाती है, वह एक मन की प्रक्रिया है। जैसे रसना में मीठा खट्टा लगना, ये रसना का सहज स्वभाव है, उसको हम रोकने को नहीं कहते, पर विवेक पूर्वक अनावश्यक स्वाद का त्याग करना, उस स्वाद की लिप्सा में गलत नहीं खाना, ज्यादा नहीं खाना। इसी तरह से स्वादिष्ट नहीं है पर वो हितकर है तो जबान को ऐसा लगने पर भी उसे खाना। इसी तरह से मन का स्वभाव है, मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है, पर फिर भी अपने कल्याण के लिए अपमान होने पर भी उस रास्ते का त्याग नहीं करना, उस स्थान का त्याग नहीं करना। आप में मान की अधिकता है तो हो सकता है आपके मान का ख्याल किसी शिविर में नहीं रहे तो आप शिविर छोड़ देंगे। अपमान अच्छा ना लगना स्वाभाविक है, ये बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए अपना हित न देख पाना ये बुरा है। इसी तरह से सुविधाएं शरीर को मन को चाहिए, सुविधाएं आवश्यक हैं, पर थोड़ी सी असुविधा के लिए किसी अपने उद्देश्य का त्याग नहीं करना, उसे सहने की हिम्मत रखना। बिना मतलब धूप में नहीं बैठना, बिना मतलब कष्ट नहीं उठाना, पर मुझे अच्छे काम के लिए कष्ट उठाना पड़े तो तैयार रहना। रोज बेस्वाद भोजन करना जरूरी नहीं है, पर मेरे फायदे की दवा
बेस्वाद हो तो भी खा लेना। नीम कड़वी है, करेला कड़वा है, और यदि कड़वा खाने से ज्यादा हित है तो ऊपर का करेले का छिलका निकाल के नहीं खाना। अभी प्राय जिसका विवेक धुंधला है, जिसमें संयम नहीं है, वह हित के रास्ते पे चल नहीं पाता। तो ये उदाहरण देकर इतना ही कि आपके इंद्रिय लोलुपता तथा मान अपमान लाभ हानि ये जो मन में है उससे भी बचना। धन चाहिए, जैसे मैंने कहा इंद्रियों का स्वभाव है ऐसे ही मन का है। धन चाहिए अलग है, लोभी होना अलग है, खट्टा मीठा लगना अलग है, लालची होना अलग है। तो मान अपमान लाभ हानि ये सभी के मनों में रहेगा, उनका अत्यंत अभाव नहीं होगा पर उसमें विवेक का अंकुश रहेगा, उसके लिए अति नहीं होगी। ये विवेक पूर्वक समझना, बाकी विषय क्रम से कभी रखेंगे। अभी सार रूप में इस शिविर का नाम जानबूझकर मैंने ब्रह्म साक्षात्कार रखा है। जान करके ही केवल आत्म साक्षात्कार शब्द का प्रयोग नहीं किया। शास्त्रीय दृष्टि से आत्मा ब्रह्म ऐक्य बोध शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। आत्मा ब्रह्म ऐक्य बोध, जबकि सच्चाई यही है कि ब्रह्म का साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार ही है। आत्म साक्षात्कार ही ब्रह्म साक्षात्कार है, पर इतना आवश्यक है कि यह आत्मा ही व्यापक है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता, साक्षात्कार आत्मा का ही होता है। पर जब यह पता चलता है कि यह आत्मा ही व्यापक है, ब्रह्म है, तो आत्म साक्षात्कार ही ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। और बिना आत्म साक्षात्कार के किसी को, इस शब्द पर ध्यान देना, आत्म साक्षात्कार के बिना आज तक किसी को भी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ। किसी को भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब भी होगा आत्म साक्षात्कार ही होगा, ब्रह्म का विश्वास होगा। जो आत्मज्ञानी नहीं है उनको भी ब्रह्म का विश्वास है, साक्षात्कार नहीं। जो भगवान के भक्त हैं उन्हें भी भगवान का विश्वास है, साक्षात्कार नहीं। और जो लोग वेदांत को नहीं मानते उन्हें सिर्फ आत्म साक्षात्कार ही होता है, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार के लिए महावाक्य आवश्यक है, पर महावाक्य
उनको सुनाया जाए, जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं है उन्हें महावाक्य से भी ब्रह्मबोध नहीं होता। ये सूत्र मैंने बता दिया, इस पर चर्चा क्रम से करेंगे। ब्रह्म को व्यापक रोज लोग सुनते हैं, पर मुझे मिल गया, मैंने ब्रह्म देख लिया, मैंने ब्रह्म जान लिया, ऐसा किसी को नहीं लगता, किसी को नहीं लगता। मैंने इसमें किसी को छोड़ा नहीं। और जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, खूब ब्रह्म की बात करें, उन्हें भी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म साक्षात कैसे होगा? ब्रह्म से सबका साक्षात्कार होता है, ब्रह्म से सबका साक्षात होता है, ब्रह्म के बिना कोई भी साक्षात नहीं होता, कोई भी अपरोक्ष नहीं होता, कोई भी स्पष्ट नहीं होता। ब्रह्म सर्वज्ञ है, ब्रह्म सर्वव्यापक है, ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, ब्रह्म सर्वव्यापक है, और ब्रह्म अपरोक्ष है। जो अपरोक्ष नहीं है वह ब्रह्म नहीं है। जिनको ब्रह्म परोक्ष है, हाँ परोक्ष, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म अपरोक्ष होता है। तो आज अभी हम आत्मा की चर्चा 5 मिनट करेंगे और अभी का कार्यक्रम पूरा करेंगे। किसी का भी साक्षात्कार मेरे अतिरिक्त किसी का साक्षात्कार मुझे किसी माध्यम से होता है। जैसे मेरा साक्षात्कार आपको हो रहा है, बोलो, मेरा दर्शन कहो, साक्षात्कार कहो, मेरा दर्शन आपको, बोलो, हो रहा है। काहे से हो रहा? आंख से। यदि आंख हटा लें तो आप रहें पर मेरा साक्षात्कार नहीं होगा। ठीक इसी तरह से आप मेरे प्रवचन का श्रवण कर रहे हैं, आपके कान हटा लिए जाएं तो मेरा प्रवचन आपको सुनाई नहीं देगा। आप रहेंगे, आप गैर हाजिर नहीं, लेकिन सुनाई नहीं देगा। इसी तरह इंद्रियों का साक्षात्कार, देह का साक्षात्कार मन से होता है। आत्मा के रहने पर भी यदि मन ठीक ना हो, सोया हो, तो देह का साक्षात्कार किसके देह का? आपको अपने देह का साक्षात्कार नहीं होगा। आपको अपनी श्वास का साक्षात होता है। आंख नहीं कह रहा मैं, श्वास के चलने का साक्षात बोध तुम्हें होता है। सदा नहीं होता, कब होता है बोलो? जब आपका मन श्वास पे होता है, अर्थात श्वास के बोध का भी साक्षात
आत्मा नहीं करती। आत्मा को श्वास का साक्षात्कार नहीं होता, आत्मा को ही श्वास का साक्षात बोध मन से होता है। यदि बिना मन के आप श्वास जान लो तो मैं आपको सम्मानित करूं, किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो। दूसरा, मैं आपको गुरु मान लूं। अब मैंने तो एक गुरु बना लिया, अब मुझे कोई उससे बड़ा गुरु नहीं लगता, इसलिए मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी यदि श्वास का पता, श्वास का अनुभव, श्वास के होने का प्रमाण मन के बिना चले, साक्षात्कार चल रही है, तो श्वास का साक्षात मन से होता है। होता आपको है, भ्रम में न पड़ना, श्वास का साक्षात आपको होता है पर मन के थ्रू होता है। यदि मन न हो तो और किसी का साक्षात्कार नहीं होगा, और किसी का नहीं होगा, यहां तक तुम्हारे स्वीकृत भगवान का भी नहीं होगा। आपको अपने भगवान के लिए, आम लोगों को भगवान के लिए, भक्तों को भगवान के लिए मन चाहिए। और हम जिस भगवान की बात करते हैं, एक बार सुन ले वेदांत, एक बार महावाक्य सुन ले, फिर ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए मन भी नहीं चाहिए। तो पहले ब्रह्म को छोड़ देते हैं, आत्मा के साक्षात्कार के लिए मन नहीं चाहिए। मन के साक्षात के लिए आपका होना जरूरी है, मन के साक्षात। अभी तो मैंने कहा औरों का साक्षात्कार इंद्रियों से हुआ, श्वास का साक्षात्कार मन से हुआ, मन का साक्षात्कार तुम्हें होता है। मन के साक्षात्कार के लिए तुम्हें और कोई साधन, बोलो, नहीं चाहिए। ध्यान रखना, मन के साक्षात्कार करने के लिए आपको कान नहीं चाहिए, आंखें नहीं चाहिए, कोई और कुछ नहीं चाहिए। मन हो, तुम हो, मन का साक्षात्कार हो जाएगा। यदि मन ना हो ना, तो फिर मन के अभाव का, मन के खो जाने का साक्षात्कार भी तुम्हें होगा। अभी तक सबका साक्षात्कार तुम्हें हुआ, पर किसी साधन से हुआ। मन का साक्षात्कार तुम्हें हुआ, बिना किसी साधन के हुआ। जिसमें बिना साधन के जान जाए उसका नाम साक्षी है। मेरे होने में भी यद्यपि तुम ही साक्षी हो, तुम ही प्रमाण हो, पर मेरे होने में साक्षात तुम प्रमाण, बोलो, नहीं हो। मेरे होने में, मेरे बैठे होने में तुम साक्षात प्रमाण नहीं हो, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा मेरे होने का प्रमाण है, प्रमाणित होता हूं कि हूं। ठीक है, आप यहां बैठे हो, इसके होने में भी आप अकेले प्रमाण नहीं है, मन प्रमाण है। यद्यपि ज्ञान तुम्ही को होता है, तुम्हारे अलावा आज तक ज्ञान किसी का हुआ ही नहीं, तुम्हारे बिना। ये दूसरी बात है, तुम्हारे बिना किसी का ज्ञान नहीं हुआ, ये एक बात है। पर और किसी का ज्ञान तुम्हें अकेले नहीं हुआ, तुम अकेले किसी और को नहीं जान सके आज तक। और के जानने के लिए आपको इंद्रियां चाहिए,
और के जानने के लिए मन चाहिए। यहाँ तक श्वास चलती है, देह बैठा या पड़ा है, इसके जानने के लिए भी मन चाहिए। इसलिए जगत के जानने के लिए मन आवश्यक है, पर मन के जानने के लिए तुम्हें और कोई इंद्रियां नहीं चाहिए। डायरेक्ट तुम ही मन को जानते हो, और मन जहाँ है तहाँ जानते हो, जैसा है तैसा जानते हो, दुखी है सुखी है जानते हो, और अलसायापन हो मन न लगे तो जानते हो, और यदि मन खो जाए थोड़ी देर के लिए, जैसे मेरा हाथ, मेरे हाथ की उंगलियां यद्यपि टटोल के भी दिखा सकते हैं टटोल के, पर फिलहाल इतनी दूर से टटोल के तो देख नहीं सकते। इस समय मेरे कितनी उंगलियां हैं, और अब चार। अब देखो मेरी चार उंगलियों का साक्षात्कार आप ही को हुआ कि नहीं, बोलो हुआ आप ही को, चाहे आंख से हुआ, पर ये कहो कि मुझे नहीं हुआ, बोलो नहीं हुआ तुम्हें। इसलिए मैं थोड़ी वकालत कर रहा हूं, हुआ आपको ही है पर आंख से हुआ है। अच्छा आंख को हुआ है तुम्हें नहीं हुआ, ठीक है बोलो, आंख को हुआ है तुम्हें नहीं। दूसरी बात, अच्छा तुमको बिना आंख के हुआ है, बोलो नहीं हुआ। बस ये सत्य हर जगह लगाइए, श्वास का साक्षात्कार मुझे हुआ है पर बिना मन के, ठीक। और मन का साक्षात्कार कहाँ है, मन मुझे हुआ है और बिना किसी की सहायता के हुआ है। इसलिए बिना सहायता के जिसको मैं जानूं वो है मेरा साक्ष्य, और उसका हूं मैं साक्ष्य। इस सत्य को थोड़ा सा ध्यान दें कि मन आपका श्वास में है कि बाहर है, सोच रहा है सुन रहा है, कहाँ है। मन का साक्षात्कार करो, मन का साक्षात्कार होता है ये स्वीकारो, मेरे अलावा मन का कोई साक्षी बोलो नहीं है। यों तो किसी जगत के होने का मेरे अलावा कोई सबूत, मेरे अलावा, पर सबके होने में सहायता मैंने, सबके होने को मैंने जाना, जाना मैंने ही, आंखों ने नहीं मन ने नहीं, क्योंकि ज्ञाता केवल मैं हूं, चैतन्य केवल मैं हूं, पूर्ण स्वतंत्र सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। मेरे अलावा प्रकाशक है ही नहीं, पर मैं जगत का प्रकाशक हूं कुछ साधनों से, मन का प्रकाशक हूं सीधा, और मन न हो तो मन के अभाव का प्रकाशक, और मैं प्रकाशक हूं, मैं स्वयं प्रकाश हूं, मुझे किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, मुझे पर प्रकाश की जरूरत नहीं है। जिस दिन यह जान जाओगे मुझे अपने होने के लिए, तो आज मैंने सुबह उठकर एक लाइन लिखी कि चित जो है वो सत है। मैंने सच्चिदानंद से शुरुआत नहीं की, चित सत है। चित माने चित्त नहीं, चित माने चित्त नहीं,
चित सत है, और जो सत नहीं है वो चित नहीं है। देखना सदा नहीं है इसलिए देखना सत नहीं है, सुनना सदा नहीं है इसलिए सुनना सत नहीं है, श्वास का जानना सतत नहीं है इसलिए सत नहीं है। जो जो चेतन सत है, जिस चेतन का अभाव नहीं होता, इस शिविर में यह सिर्फ स्पष्ट करना है कि चेतन का कभी अभाव नहीं होता। हम सबका एक्सपीरियंस है कि चेतन का अभाव बोलो हो जाता है, चैतन्य सदा नहीं रहता। दूसरा, सुख सदा नहीं रहता, ये भी ठीक है नहीं रहता, पर जो नहीं रहता वो सुख नहीं है, वो दुख है, पराधीनता है। तो सुख सत होना चाहिए, चित सत होना चाहिए, और सत भी केवल सत नहीं होना चाहिए, सत चित होना चाहिए। जो सत चित नहीं है वो ब्रह्म नहीं है, जो सत चित नहीं है वो आत्मा नहीं है। परमात्मा केवल सत्य है। कई लोग आकाश को ब्रह्म कहते हैं, दो हाथों के बीच दिखाते हैं, तो जो प्रकाश जो दो हाथों के बीच दिखाते हो वो चेतन है। दूसरा, जो ज्योति दिखाते हो वो चेतन है, बल्कि इंद्रियां तक चेतन नहीं है, इंद्रियां भी चेतन, यदि ये चेतन होती तो जड़ होती ही नहीं। जड़ इसलिए हो जाती है कि दूसरे से उधार लेती हैं, जैसे लोहा आग में डालो तो अग्निवत हो जाता है, यदि आग होता तो ठंडा ही ना होता, और दूसरे की थी वो चली गई। तो इंद्रियों में चैतन्यता इंद्रियों की नहीं है, इसलिए आंखों से चैतन्यता चली जाती है, कानों से चली जाती है, और इसीलिए सब कर परम विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक, एक से एक सचेत, ये कम उससे ज्यादा वो, उससे ज्यादा वो, विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई। सब कर माने जिसके प्रकाश के बिना न मन न इंद्रियां न देह कोई प्रकाशित नहीं होता, कोई चेतन होता ही नहीं जिसके बिना। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि है, अवधपति है, बीच में नहीं राम आया, राम अनादि अवधपति सोई सब कर परम प्रकाशक। आंख देखो, आंख का भी प्रकाशक, कान का भी प्रकाशक, मन का भी प्रकाशक, सबका अर्थ, अभी दुनिया भर अर्थ मत करो, सारी दुनिया का प्रकाशक, नेत्र रूप का प्रकाशक, नाक गंध का प्रकाशक, मन श्वास शरीर का प्रकाशक, और मैं सबका प्रकाश। बिना मेरे प्रकाश के कोई प्रकाशित ही नहीं है। आंख से देखा तो तुम्हारी उपस्थिति में, मन ने श्वास को देखा तो तुम्ही को, ज्ञान तुम्हारे अलावा किसी को हुआ? तो सबका प्रकाशक कौन है? ये जो बैठा है यही मैं है ना, ये जो आज प्रकाशक ये लगता है, ये तो खाट का भी प्रकाशक नहीं। तुम स्वप्न देख रहे थे
तो इस शरीर को अपना गद्दा दिख रहा था ना, जब तुम स्वप्न देख रहे थे तुम्हारा मन स्वप्न में था, तुम स्वप्न के साक्षी थे, उस समय ये देह अपने गद्दे को, अपनी खाट को, अपने घर को और आपके बगल में पड़ी आपकी पत्नी को, या आपके साथ लेटा आपका बेटा, आपको पता था ना, बोलो। तो देह प्रकाशक है, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र कोई प्रकाशक है, बोलो। यदि स्वतंत्र कोई, अच्छा आत्मा भी सबका प्रकाशक स्वतंत्र नहीं है, ध्यान रखना, ये तो है ही नहीं, पर बिना मेरे प्रकाश के कोई इंद्री, कोई मन, कोई देह न चैतन्य है न प्रकाशक है। इसलिए सबका परम, सबकर परम प्रकाशक अर्थात सुप्रीम लाइट, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, रियल कॉन्शियसनेस, वास्तविक चैतन्य, इन सब में कितने हैं, दुनिया छोड़ दो, आपके शरीर में कितने चेतन हैं, आंख चेतन, कान चेतन, नाक चेतन, त्वचा चेतन, रसना, 5, और फिर एक मन चेतन, क्योंकि श्वास जानता है, बिना श्वास वो मन के श्वास नहीं जानता, तो मन चेतन। तो ये सब चेतन है कि तुम चेतन हो, क्या ये आपको स्वीकार है कि मेरे अलावा कोई चेतन नहीं, सब मेरे से चैतन्यता उधार लेते हैं, तो आपको कहां से लेनी है चैतन्यता उधार। इसलिए वेदांति कहते हैं कि सूर्य जुगनू से रोशनी मांगता है, सूर्य जुगनू से रोशनी की आशा करता है, अर्थात अज्ञानी आदमी ना समझी से आत्मा को अज्ञानी मान के ज्ञान मांगता फिरता है, जबकि तेरे सिवा कोई ज्ञान स्वरूप है ही नहीं। तो अभी यही समाप्त करेंगे, धैर्य पूर्वक, ये जिज्ञासुओं का शिविर है, जो जानना चाहते हैं उनका शिविर है। आपकी बुद्धि मंद है, अभी नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी, धैर्य रखो, एक दिन में तर्कों से प्रभावित होगे, पर आपका ये अनुभव, आपका जब ये निजी अनुभव बनेगा कि मेरे सिवा चेतन कोई है ही नहीं, अभी तो मैंने शरीर में बताया है, फिर बताना है विश्व में तेरे अलावा कोई चेतन नहीं है, शरीर में चेतन मैं हूं और कोई चेतन नहीं है, यह है आत्म साक्षात्कार, और मेरे सिवा ब्रह्मांड में कोई चेतन नहीं है, इसका नाम है ब्रह्म साक्षात्कार। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है, दो नहीं है चेतन, कि एक आत्मा एक परमात्मा, इसलिए आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया, सतगुरु मिले दलाल, आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया। सुंदर कवि हैं, सुंदर संत हैं, वो कहते हैं सुंदर मेला कर दिया, ये दो हैं ये झगड़ा खत्म कर दिया। तो कैसे खत्म हुआ, सतगुरु मिले दलाल। अभी का कार्यक्रम यही पूरा करते हैं, आपको ब्रह्म साक्षात्कार करा के भेजना है, समझ में आया ना, अभी छुट्टी है।